सहारा प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। देश के बंटवारे की दुखद घटना की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी प्रदेश के सभी 1918 संगठनिक मंडलों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं सहारा समय की एक खास रिपोर्ट। देश के बंटवारे की दुखद घटना की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी 1918 सांगठनिक मंडल देश के बंटवारे की दुखद घटना की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। देश के बंटवारे की घटना के बाद लाखों लोग बेघर हुए, असंख्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जमीन व्यवसाय प्रतिष्ठा त्याग कर लोगों को शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ा था, जिसकी पीड़ा का दंश लाखों लोगों ने दशकों तक झेला था। विभाजन की घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक थी। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विभीषिका को भारतीय इतिहास में न भूले जाने वाली घटना बताते हुए इस दौरान काल कल्पित होने वाले विभाजन की असंख्य पीड़ा को सहने वालों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आह्वान किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। इसके तहत मंडल स्तर पर सायकाल मौन जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें सरकार के मंत्रीगण, पार्टी पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि आमजन के साथ सम्मिलित होंगे। 14 अगस्त की शाम राजधानी लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह तथा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी उपस्थित रहेंगे। लखनऊ में गांधी प्रतिमा से मौन जुलूस शुरू होगा, जो विधान भवन के सामने समाप्त होगा, जहां विभाजन विभीषिका पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी प्रशासनिक जिलों में पार्टी द्वारा विभाजन की विभीषिका की स्मृति वर्तमान के लोगों को कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन, डाक विभाग, रेलवे विभाग, पेट्रोलियम विभाग सहित अनेक संस्थाओं के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के साथ ही बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया है, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से की है। निश्चित ही आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को दुगना कर दिया है। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ रजत। 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। 14 विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मौन मार्च, आजादी की उस विभाजन की त्रासदी को स्मरण करके उस एग्जीबिशन के साथ जुड़ने के लिए सायंकाल 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच हर जनपद में मार्च निकाला जाएगा। यानी ये कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है, हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे।